नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधिक सेवा दिवस के तहत बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया उर्दू दिवस। सावित्री राजकीय विद्यालय में 66वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का हुआ समापन। एनसीसी कैडेट्स ने नारेली पर्वत श्रृंखला की करी ट्रैकिंग। विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आज विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा आज विधिक सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लिए कैंपेन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्रों ने लोगों को उनके अधिकारों और हकों के लिए जागरूक किया। आज विधिक सेवा दिवस है क्योंकि 9 नवंबर 1995 को आज ही के दिवस को विधिक सेवा अधिनियम हिंदुस्तान में लागू हुआ था। इस वजह से नालसा ने, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज पूरे देश में विधिक सेवा दिवस मनाए जाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच हमारा कैंपेन चल रहा है, जिसकी थीम है एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक किए जाने के लिए और लोक अदालत व जनकल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक संदेश पहुंचाए जाने के लिए आज इस राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। ये रैली राजकीय ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर से छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ प्रारंभ हुई है। ये रैली आगरा गेट होती हुई गांधी भवन तक पहुंचेगी, रेलवे स्टेशन और वहां पर। अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज विश्व उर्दू दिवस मनाया गया। इसी के चलते आज मदर मेमोरियल स्कूल लोंगिया मोहल्ला में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू के विद्वान और शायरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज विश्व उर्दू दिवस मनाया गया। बता दें, 9 नवंबर को हर वर्ष उर्दू को जिंदा रखने के लिए और उसकी महत्वता बरकरार रखने के लिए उर्दू दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते आज मदर मेमोरियल स्कूल लोंगिया मोहल्ला में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उर्दू के विद्वान और शायरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। बाबे ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, वाह वाह वाह। वो फरमाते हैं कि मैं उसके साथ तो रह सकता हूँ कि जिसकी तबीयत खराब है, उसके साथ नहीं रह सकता हूँ जिसकी तबीयत खराब है। और तबीयत जो है उर्दू ज़बान से ही आती है। आज जितने भी लोग देख लीजिए आप, बिना उर्दू के काम ही नहीं चलता है। ये उर्दू ज़बान ही अपने आप में खूबी रखती है। दिल से मांगी जाती है ज़बान से नहीं, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़बान नहीं होती। मत कर खाक के पुतले पर गुरूर बेनियाजी, मत कर खाक के पुतले पर गुरूर बेनियाजी, खुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। पाने की फितरत बर्फ है, आए के खूब मिलते घर की बना।
जेलन अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में रिव्यू बैठक आयोजित हुई। अस्पताल में मेडिकल, आईसीयू, सर्जिकल सहित अन्य यूनिट के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य की गति बढ़ाने की मांग की है। जेएलएन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में आईसीयू ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक, मेडिसिन ब्लॉक सहित चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों को तीव्रता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। आज माननीय जिलाधीश महोदय से स्मार्ट सिटी से जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के कैंपस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में रिव्यू बैठक आयोजित की गई थी। उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स जिनको कंप्लीट होना था उनमें कुछ डिले हो रहा था, इसके बारे में हमने उनको उनके संज्ञान में लाए हैं। इसके साथ साथ हमारे निकू पिकू का एक कंस्ट्रक्शन होना था, उसके लिए भी हमने कहा कि हमको जल्दी से जल्दी अगर वो साइट हैंड ओवर करेंगे तो हम उसमें बना सकेंगे। जैसा कि राज्य सरकार ने हमको लगभग 7 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास हम न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम जो साइट के लिए वेट कर रहे थे तो नई बिल्डिंग में साइट के लिए एग्री हो गए हैं कि विद इन 10 डेज हमको बिल्डिंग साइट मिल जाएगी, जिससे कि हम उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और आने वाले 45 डेज में, साइट होने के बाद में 45 डेज में अगर कोई हर्डल नहीं आया तो हम लोग ये वेंडर से बनवा के और अजमेर की जनता के काम मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेडिसिन का ब्लॉक है, इधर सर्जिकल ब्लॉक है, इधर आईसीयू है। इन सभी के लिए भी जो स्पीड, हमें ऐसा लगता है कि स्पीड कुछ स्लो है, वो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि स्पीड अप कराएं कि जिससे कि इन बिल्डिंग्स का जल्दी जल्दी उद्घाटन हो सके और आम जो लोगों के काम में आ सके। इसके लिए कलेक्टर साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले विद इन ए मंथ हम इसको पूरा स्पीड अप करा के विद इन टाइम कोशिश करेंगे आपको हैंड ओवर करने की। कुछ डिले हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि कोविड से पहले का प्रोजेक्ट है तो कोविड के कारण से डिले हुआ था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ इन्होंने रिकवर किया है और ये कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में जो हमारे डिले है वो रिकवर कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कलेक्टर साहब ने स्मार्ट सिटी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आने वाले समय में विद इन टाइम ये हैंड ओवर कर देंगे, जिससे कि ये सभी सुविधाएँ जो कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ये आम अजमेर की जनता के। ब्रेक के बाद आ गया है। घर, मंदिर या शादी ब्याह, किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है, साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर, 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर, 9571204206। एक बार फिर स्वागत है, आइए जानें शहर की और बड़ी खबरें। अजमेर में आयोजित हो रहे ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में बुधवार को एनसीसी कैडेट्स ने नारेली पर्वत श्रृंखला की ट्रैकिंग करी। इस मौके पर कैडेट्स के प्रथम समूह को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल अमरदीप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर में आयोजित हो रहे ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में बुधवार को 502 एनसीसी कैडेट्स ने नारेली पर्वतमाला की ट्रैकिंग करी। इस मौके पर कैडेट्स के प्रथम समूह को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल कर्नल अमरदीप और नेहरू युवा केंद्र अजमेर के प्रभारी जयेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरे ग्रुप के उद्घाटन सत्र में राजस्थान पत्रिका के अजमेर चीफ अनिल केले और सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू ने क्रेडिट स्कोर फीता काटकर कैडेट्स को रवाना किया। इस दौरान कैंप कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स ने नारेली पर्वत पर ट्रैकिंग कर भगवान महावीर सहित जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के दर्शन किए, साथ ही जैन मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी को देखकर कैडेट्स अभिभूत हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से आयोजित ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन आज से शुरू हुआ है अजमेर के अंदर। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके अंदर
करीब 5 राज्यों के 215 गर्ल्स कैंडिडेट्स आगे रहे हैं। राजस्थान में इसका आयोजन करना कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की अरावली श्रृंखला से कैंडिडेट्स को बहुत सीखने को मिलेगा। जैव विविधता है यहाँ पे, और नारेली आज जहाँ पे एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई है, ये अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान है। और इस वक्त ट्रैकिंग का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है और साथ में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जब से कोविड हुआ है तब से स्वस्थ रहना सबसे बड़ी चैलेंज है। और एनसीसी ने ये शुरुआत की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका एक्सपीडिशन सफल हो और वे इस एक्सपीडिशन के माध्यम से न केवल राजस्थान को जाने बल्कि एक दूसरे के राज्य को भी उनको जानने का मौका मिलेगा। मैं एक बार पुनः एनसीसी के संगठन को इस प्रयास के लिए, इस अभियान के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग एक्सपीडिशन एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की ओर से 5 राज्यों से गर्ल्स आई हैं इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में। एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, स्पोर्टिंग एबिलिटी, सब सारी ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए नेहरू युवा केंद्र अजमेर की ओर से एनसीसी यूनिट को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी नेहरू युवा केंद्र की यूथ एम्पावरमेंट की एक्टिविटीज़ के साथ भी हम एनसीसी यूनिट के साथ कोऑर्डिनेट। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ अजमेर जिला इकाई द्वारा बुधवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ओर से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के अजमेर इकाई द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही अपनी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग करी। वहीं मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आज का ये विशाल प्रदर्शन पूरे राजस्थान के हर जिले में दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री को दिया जाएगा कलेक्टर के माध्यम से। इसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग यही है कि हमको राज्य सरकार को राज्य कर्मचारी घोषित करे, और जब तक नहीं करती है तो प्रतिमाह 18,000 रुपये मान दे दिया जाए। यदि राज्य सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी तो 16 दिसंबर को हमने विशाल प्रदर्शन का रैली का निकालने का जयपुर में प्रदर्शन। सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हो रहे 66वें जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आज समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। सावित्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में 6 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित हुए 66वें जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, प्रतियोगिता में अजमेर जिले के कई स्कूलों ने भाग लिया। वहीं समापन समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। ये 66वीं जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन सावित्री स्कूल में किया गया है, और यहाँ जिला स्तर के ये कार्यक्रम में जिला के विभिन्न स्कूल जो है वो आए हैं पारितोषिक ग्रहण करने के लिए। और सौरभ बजाज जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। अजमेर के सभी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, समापन का कार्यक्रम पारितोषिक आज रखा गया है सावित्री स्कूल। जिला स्तरीय 66वीं जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों ने भाग लिया, साथ ही साथ आयु वर्ग जूनियर और सीनियर, और उनको आज पारितोषिक वितरण किया गया यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd को। और आज स्थानीय विद्यालय के सभागार में समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय सावित्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आज इसका समापन और पुरस्कार वितरण का कार्य किया। राजस्थान इंजीनियरिंग महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से आज माखुपुरा स्थित कॉलेज के बाहर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शित किया गया। इस दौरान सभी शिक्षकों ने सरकार के आदेश की कॉपी चलाते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की मांग रखी। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाले सभी अभियांत्रिक महाविद्यालय तकरीबन 61 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर और सौतेले व्यवहार के चलते आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया, साथ ही मांगों को जल्द पूरा नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
तकनीक विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाले समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय पिछले 61 दिनों से आंदोलनरत है एवं कार्य बहिष्कार पर हैं। हमारी 4 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाए, जो कि 2017 से 20 तक का बनता है, जो आज तक नहीं किया गया। हमारी दूसरी मांग है कि पिछली जो पदोन्नति हुई थी वो नियत समय से काफ़ी समय उपरांत हुई थी, उस अंतराल के एरियर का भुगतान किया जाए, जिसका नहीं किया गया। हमारी तीसरी मांग है कि 10-10 वर्षों से पदोन्नति लंबित है, वो पदोन्नति की जावे। और चौथी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें सम्मिलित किया जावे। इस दौरान तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी परिणाम उन्मुखी कार्रवाई नहीं की गई, और एक ये आदेश निकाल के हमारे मध्य कार्य कर रहे हमारे साथी को पदोन्नति के लिए आदेश दे दिया गया। हमें इससे कोई गुरेज नहीं कि हमारे साथी का किया जाए। हमारी मांग है कि साथ में हमारा भी पदोन्नति किया जाए, जो 10-10 वर्षों से लंबित है और पिछले 61 दिनों से हम संघर्षरत हैं। ये हमारे साथ अन्यायपूर्ण और सौतेला व्यवहार क्यों? जीपी फ्री वर्क प्लेस अभियान के तहत आज एडिशनल CMHO डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने कलेक्टर के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में कॉरपोरेट संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का टीबी स्क्रीनिंग करवाने, साथ ही टीबी के प्रभाव को कम करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। टीबी फ्री वर्क प्लेस अभियान के तहत आज एडिशनल CMHO डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने कलेक्टर के मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित करी। इस दौरान बैठक में सभी मंत्रालय, औषधीय संस्थाएं, कॉरपोरेट आदि संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का टीबी आरोग्य साथी ऐप के माध्यम से सेल्फ स्क्रीनिंग करवाने, साथ ही टीबी के प्रभाव को कम करने और टीबी ग्रसित कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही टीबी रोगियों के पोषण व्यवस्था की भी कॉरपोरेट से मदद मांगी गई। नवाचार जो हमारा टीबी एलिमिनेशन कार्यक्रम है, 2025 तक प्रधानमंत्री जी के अनुसार भारत को टीबी मुक्त करना है, और उसी कड़ी में आज ये वर्कप्लेस फ्री एक टीबी का नवाचार है, उसके लिए मीटिंग रखी गई। सभी कॉरपोरेट के ऑफिसेज थे, इसमें IMA के हमारे प्रतिनिधि थे, जहाँ पे जो जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सब में टीबी वर्कप्लेस फ्री का एक नवाचार किया जाना है। सभी वहाँ पर उपस्थित जितने कर्मचारी या जितने वहाँ पर कार्मिक काम कर रहे हैं, उन सबकी भी जाँचें होनी है। उसके बाद कॉरपोरेट से हमारा ये भी दूसरा एक सहयोग और मांगना था कि आप हमारी मदद किस तरह से 2025 में टीबी मुक्त भारत हो, उसके लिए किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। उसमें हमारा एक कंपोनेंट होता है पोषण का, तो पोषण में हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग हमारी मदद करें, और पोषण में मदद के लिए हम उनसे हर तरह से ये सपोर्ट चाहते हैं कि वो उनका जो मरीज जो है उसको दवा तो फ्री दी जा रही है, लेकिन उसके पास हो सकता है वो सक्षम नहीं हो अच्छा खाना पीना या बिल्ड के लिए, उसके लिए जो है पोषण की क्वालिटी का स्तर जो है वो, उसमें हमारी मदद हम चाहते हैं, कॉरपोरेट मदद करें। तो इस तरह से कॉरपोरेट के कार्यालय को टीबी वर्कलिस्ट फ्री करना है, और उनसे जो पोषण के संबंधित सपोर्ट या HR में या जांच कराने में या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में टीबी एलिमिनेशन के जो हमारी वो मदद कर सकते हैं, उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज ये बैठक रखी गई और सबसे सलाह की गई, और इससे आगे अब जो भी नवाचार होगा ये वर्क हमारे लिए टीबी एलिमिनेशन में बहुत मददगार होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। उसके लिए टीबी निक्षय पोर्टल हमारा ऑलरेडी पहले से चल रहा है, और जैसे ही किसी को टीबी की डायग्नोसिस होती है बीमारी का, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे जिले में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, तो उसका निक्षय पोर्टल पर जब भी नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद उसको स्वतः ही चिकित्सा की सुविधा और साथ में उसको पोषण की सुविधा जितना अभी राज्य सरकार, भारत सरकार दे रही है, वो उसको मिलने लग जाती है। उसमें 500 रुपये उसको हर मंथ दिए जा रहे हैं पोषण के लिए, उसके अलावा उसका फॉलोअप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी। We'll be right back.